मेरे आंखों में आंसू क्यों है? क्योंकि याद आता था। अनदर सैटरडे, अनदर संडे, अनदर वीकेंड। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हमारा एज यूजुअल डेली रूटीन। ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास आमले एंड स्प्राउट्स एंड ब्रेड। गाइस, तो मजा तभी आता है जब हम पूरा मस्त एकदम संडे को रेडी वेडी हो जाए, नहा ले। आज हम सोच रहे हैं कि आज हम कहीं ना कहीं तो निकलेंगे, क्योंकि हमने प्रण लिया कि हम हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएंगे। दिस इज ऑमलेट, ब्रेड, स्प्राउट्स। बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड हम घर पे पूरा दिन पड़े रहते हैं, हमारे पास कुछ होता नहीं है करने के लिए। आज हम जा रहे हैं हमारे पुराने कॉलेज जहाँ पे हम दोनों मिले थे पहली बार, ठीक है। उसका नाम है भारतीय विद्यापीठ। पहले भी हम वीडियो में दिखा चुके हैं, लेकिन हमने कभी उसका डिस्क्रिप्शन दिखाया नहीं कि कैसा है वो कॉलेज, क्या क्या है, कहाँ कहाँ मिले थे, क्या क्या हम करते थे, कौन सी बिल्डिंग है। एक बार वापस से वो यादें ताज़ा करने के लिए वी आर गोइंग। और हम वहाँ पर जाके पिछले बार जैसे बहुत लोगों ने बोला था कि आपको पूरा कॉलेज दिखाना चाहिए था, क्या अच्छा वहाँ पर मिलता है, क्या नहीं मिलता, वो सब दिखाने वाले हैं। A beautiful journey to Bharati Vidyapeeth, Katras. All the people who are from Katras, you will love this. तो गाइस, हम लोग मकरपट्टा से निकले थे, तो ऑन द वे टू देयर इज स्वारगेट। स्वारगेट के बारे में रितिका आपको समझाएगी कि स्वारगेट वाइज स्वारगेट फेमस फॉर एंड वाइज स्वारगेट फेमस। तो मुझे तो पता ही नहीं स्वारगेट में ऐसा क्या है। कुमार पैसिफिक मॉल है शायद इसके लिए। स्वारगेट बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब स्वारगेट का। क्यों? क्योंकि पुणे में दिस इज द वन जंक्शन जहाँ से आपको पुणे के हर डायरेक्शन में जो भी सिटी है वहां के लिए बस मिल जाएगी। मे बी अगर मुंबई जाना मुंबई के लिए मिल जाएगी, बैंगलोर जाना बैंगलोर के लिए मिल जाएगी, गोवा जाना गोवा के लिए मिल जाएगी। हिल टॉप है कांतरंज का जो यहाँ से दिख रहा हो। तो गाइस, यहाँ पे ना ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप झंडा देख रहे हो झंडा, यहाँ पे एक नीचे मंदिर है। नीचे एक मंदिर था, मतलब मंदिर अभी भी है। तो जब हम कॉलेज में थे तब मेरे दो रूममेट्स है, गौरव श्रीवास्तव एंड शिवेंद्र बिष्ट। तो हम लोगों के पास कभी कभी, अब कॉलेज में थे, नए नए लोग थे हमारे पास, पापा इतने पॉकेट मनी वगैरह देते नहीं थे, और देते थे तो वो खत्म हो जाते थे पता नहीं कुछ करके। तो हम लोगों के पास कभी कभी खाने के लिए कुछ रहता नहीं था। तो गाइस, दिस वाज द मंदिर जिसने हमको भूखमरी से बचाया है। दीज आर जस्ट सम मेमोरीज ऑफ योर कॉलेज लाइफ। बहुत लोगों ने और भी चीजें करी होंगी तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने तो नहीं किया है। इन कातराज, तो ये दिस इज भारतीय हॉस्पिटल, अगर आपको दिख सकता है तो रितिका एक बार दिखा दे। तो भाई वो दिखा, वो दिखा। गाइस, दिस इज अंगूर वाइंस। हमारे यहाँ पे कोई पास हो कोई फेल हो, ये अंगूर वाइंस से हमेशा दारू आती थी। एंड गाइस, दिस इज द मोस्ट फेमस गेट भारतीय विद्यापीठ का। हम आपको अंदर से दिखाएंगे इसको। ये मेन गेट है, एंट्री वाला, ये देखो। गाइस, कातराज जू, जहाँ पे हम कभी नहीं आए। यहाँ आपके सारे जानवर सोते रहते थे, आलसी थे साई स्वरूप खरट के जैसे। तो गाइस, जैसे कि वो है कातरा डेयरी, कातरा डेयरी दिखाई एक बार। तो वो कातरा डेयरी, तो जब हम लोग पढ़ाई करा करते थे, मैं शहजर दहिया भैया और बहुत सारे लोग, तो यहाँ पे ये रात को 4 बजे तक खुली रहती थी। यहाँ पे फ्लेवर्ड मिल्क मिलता है, फ्लेवर्ड मिल्क के अलावा आइसक्रीम वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती है। 10-10 रुपए में फ्लेवर्ड मिल्क मिल जाता था। तो हम 4-4 बजे तक जब पढ़ाई करते थे तब हम यहाँ पे आते थे दूध पीने के लिए, बट मार्क्स फिर भी नहीं आते थे, सिर्फ दूध पेट में जाता था। और हम ऐसी जगह ये आ गया निवारा हॉस्टल्स, और यहीं पे इसने अपनी पूरी जिंदगी निकाली है। कौन से फ्लोर पे? थर्ड फ्लोर पे। ये यहाँ बैठ के बस ये हम बकर करते थे बाहर बैठ के। और ये है इनका आंगन में खाना खाते थे ना। और इट्स यम्मी पे, ये रहा यम्मी वाला। अरे भाई साहब, अरे रो क्यों रही है? क्यों रो रही है? क्योंकि अंकल है, क्योंकि पुरानी आदत ताजा हो गई। दिस इज द पावर ऑफ मेमोरीज। यू पास बाय योर कॉलेज लाइक होम, where you have spent 4 years. This is how the reaction. जैसा कि बहुत सारे पुणे वाले लोगों ने और पुणे के बाहर वाले लोगों ने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि पुणे में एक बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे छोले भटूरे मिलते हैं, वो भी राजू अंकल के छोले भटूरे। तो हम लोग तो यहाँ पे बचपन से, हम मतलब 2009 से खाते आ रहे हैं, आज हम आपको दिखा भी देते हैं। तो गाइस, दिस इज राजू अंकल के छोले भटूरे। स्ट्रॉबेरी शेक पीना है क्या? हाँ, अपने आप भी बना देते हैं। जा मिल तो बोल, पहचाना अंकल छोले। गाइस, दिस इज तो गाइस फाइनली अंकल हैज रिकॉग्नाइज्ड, दिस इज फेमस राजू अंकल के छोले भटूरे। आंटी कैसी हैं? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। अंकल, सात साल, 7 साल बाद आ रही है। 7 साल के बाद आए? अरे बाप रे, सॉरी। आप इनको ले दो।
आपका कितना करना है? एक ही करिए, पर क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए तो ओनर और राजू अंकल के छोले भटूरे एंड दिस इज आवर कॉलेज का बैक वाला गेट दिस वन बिकॉज हम वहाँ पे खड़े होके खा नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक जगह गाड़ी लगा दी है, बोनट पे रख दिया खाना। आई एम जस्ट रीडिंग, आई विल शो यू। ये लगाई हमने गाड़ी साइड पे, ये खोले छोले भटूरे है, इसके मुंह में जाते हुए खाना। तो गाइस ये जानते हैं ये बैक मार्केट है, बैक मार्केट वाली रोड है, दिस इज आशीर्वाद डाइनिंग हॉल। बहुत लोग यहाँ पे खा चुके हैं, यहाँ पे मैस लगा चुके हैं। एंड गाइस ये जो देख रहे हैं आप कोने पे, दिस इज टपरी बोलते थे हम इसको, यहाँ पे हमारी रैगिंग, यहाँ पे ट्रीट्स हुआ करता था, ये टपरी बोलते थे इस जगह को, और यहाँ पे हमारी रैगिंग हुआ करती थी। और ये जो रोड देख रहे हैं आप, स्लाइडिंग वाली रोड, ये तो बहुत ही ज़्यादा मेमोरियल है, क्योंकि यहाँ पे इतने ये जब बारिश होती थी तो पानी नीचे जाता था, और यहाँ से जैसे ये बाइक वाले भैया हैं, जैसे इन्होंने गोल मोड़ी कहुना प्यारे में, जैसे ऋतिक रोशन जाता है वैसे ही जाते थे लोग दूर। ये है पूरी बैक मार्केट, ये पूरी इस लाइन में विद्यापीठ का लेडीज़ वाला हॉस्टल है, यहाँ पे ऋतिका रहा करती थी कुछ 4-7 साल पहले, और मैं यहाँ पे वेट किया करता था और यहाँ से वो आती थी। एंड ये हमारा भारतीय विद्यापीठ का लश ग्रीन, हमारा बचपन गुजरा है यहाँ पे, हम बहुत तेज क्रिकेट खेलते थे यहाँ पे, खेलते थे वहाँ से, शैदर बॉलिंग कराता था यहाँ से, मैं बॉल मारता था, शैदर एक बार यहाँ से आते 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 कैच पकड़ा था, उसकी पैंट निकल गई थी। यही जगह है गाइस वो, दिस इज भारतीय विद्यापीठ का डेंटल कॉलेज, यहाँ पे डेंटल के जो लोग थे वो पढ़ते थे, वो पता नहीं है डॉक्टर है क्या, मॉडल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ रहती थी, और उसके क्या तुम लोगों की नजरें वहीं होती थी, मैं बताता हूँ ना हम कहाँ देखते थे। और गाइस जस्ट डेंटल कॉलेज के पीछे जो सड़क जा रही है, यहाँ पे पीछे एक डी हॉस्टल करके था जहाँ पे हम रहते थे, जहाँ पे हमारी सारी मेमोरीज है, जहाँ पे हम बच्चे से बड़े हो गए थे। चौराहे की हम बात कर रहे थे वो ये है, ये डेंटल जो कॉलेज है उसके एंट्रेंस है, तो था माशाल्लाह, क्या बताऊँ मैं आपको क्या क्राउड था। ये देखिए इनकी शक्ल, इनको ही पता है क्योंकि ये भी यहाँ पे बैठ के ये देखते थे कि इनसे खूबसूरत लड़कियाँ कैसे हो सकती है दुनिया में। हम तो बड़ा सामर खान के MBBS की कैंटीन, MBBS की कैंटीन में जाते थे। क्यों जाते थे पता है? क्योंकि वहाँ पे MBBS के लड़के रहते थे, और ऑब्वियसली लड़कियाँ अगर MBBS के अच्छे हैं तो वैसा वर्षा। तो ये देखिए इनकी शक्ल पे हंसी, देखिए मुस्कुराहट, दिस वॉज द रीज़न ये जहाँ वो मेडिकल की कैंटीन में जाके बैठते थे। हम कभी नहीं बैठे, वी वर वेरी लॉयल टू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग कैंटीन में बैठ के साबुदाना खिचड़ी खाते थे। हाँ, ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, यहाँ हमारी क्लास होती थी, यहाँ पे मैं बैठता था, यहाँ पे कभी कभी ऋतिका बैठती थी, और हम यहाँ पे बैठते थे क्लासेस के बाद, और बंक जब मारते थे यहाँ से नीचे एक बीच में से एक दरवाज़ा हुआ करता था, वो जो बंद हो चुका है, तो वहाँ से सीधा आओ, दरवाजे से नीचे जाओ और वहाँ से घूम जाओ, और टीचर पीछे से आता था। एंड फॉर एवरी वन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे BVGU, यहाँ से NRIF द्वारा रैंक्ड 99th, सही है यार, 100 सेंचुरी क्यों नहीं मारी, ऊपर लिखा रैंक्ड अमंग 100 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और कौन सी रैंक है 99, ग्रेट सक्सेस भाई, ग्रेट सक्सेस। और भाई लोग, और जो जो मेरे जैसे हैं जिन्हें लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती थी, लाइब्रेरी तो जब मैं इसको डेट नहीं करता था तो क्या होता था, तब तो मैं इसको जानबूझ के मैं बुलाया करता था कि ऋतिका आ जा, क्योंकि मेरे को बात करने का मन कर रहा था, मैं सोचा था थोड़ा बातचीत करूंगा, पटाऊंगा वटाऊंगा तो पड़ जाएगी, तो फिर इसको थोड़ा इंप्रेस करने के लिए ज्यादा पैसे होते नहीं थे कि स्टारबक्स वगैरह ले जाऊँ, उस टाइम स्टारबक्स था भी नहीं शायद, तो फिर मैं यहाँ पे पीछे एक लोकल दुकान है जिसका नाम है रिच रिच, तो मैं वहाँ से इसको पिलाता था एक आइस टी और खिलाता था सैंडविच, 10 रुपए की आइस टी 20 रुपए का सैंडविच। तो गाइस देखो पिछले पहले के जमाने में कितना सस्ता था प्रपोज करना, 7 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है। और अगर वही चीज, अगर आप यंगस्टर्स जो अगर आप पटाने जाएंगे तो आप आईफोन गिफ्ट कर दीजिए, एप्पल फोन गिफ्ट कर दीजिए, ले तो लेंगी, लेकिन दीदी आएंगी नहीं बेटा बुलाती है मगर जाने का नहीं। शो यू, सो दिस रोड डायरेक्टली गोज टू, ये मेन कैंपस रोड है, यहाँ पे इंजीनियरिंग है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, फिर डेंटल कॉलेज है, जैसा ही शोड यू, और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये होम्योपैथिक कॉलेज है। एंड यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से सीधे जाकर ये सीधा जो रोड जाता है राइट साइड में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन है, सिर्फ वुमेन के लिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, दिस इज कॉल्ड पार्शियलिटी एंड नॉट इक्वालिटी। और वहाँ से आप गोल घूमेंगे तो वहाँ से फाइन आर्ट्स का कॉलेज आता है, फिजिकल एजुकेशन का आता है, और एनवायरनमेंट का आता है। इधर डी हॉस्टल है जहाँ पे मैंने आपको बताया था उस साइड, तो दिस सम्स अप भारतीय विद्यापीठ। ये जो आप देख रहे हैं ये जगह,
तो वो मेरी रैगिंग के लिए मुझे बुलाया गया था सीनियर्स द्वारा, मैं तो पहुंच गया। मैंने बोला तुम भी मेरे साथ चलो, मेरा साथ दो, हम सब एक है, वी आर ए टीम। यहाँ तक आ गए जो मैंने आपको अभी तक दीवार दिखाई थी, यहाँ पे जैसे ही मैं आगे गया उनसे बात करने के लिए, मैं पीछे मुड़ा, बोल मेरे को वो पूछते कि दोस्त कहाँ हैं तुम्हारे, मैं पीछे मुड़ा कोई था ही नहीं यार, सब भाग रहे थे यार अपने अपने घर। दिस इज रॉन्ग गाइस, वी आर बैक टू मगरबट्टा एंड दैट वाज अ वेरी गुड जर्नी। हमारी बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई, बहुत सारी मेमोरीज थी वहाँ पे, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा जिंदगी कैसे जीनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है आगे फ्यूचर में। कोई इंजीनियर है, किसी ने एमबीए कर ली मेरी तरह, वो आज सेल्स में है, कोई कॉलेज प्लेसमेंट से लेकर कोई आईटी में है, कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, कोई सिविल में है, बट जो भी है सब अपने अच्छे अच्छे जगह है। ओके, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।